शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पद्मावती, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो। तुमने बताया नहीं जो घर हम लेने वाले हैं वो तुम्हें पसंद आया या नहीं आया? अच्छा वो छोड़ो, यहाँ के नज़ारे तो अच्छे लग रहे होंगे, या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा? मैं भी नहीं। जब उस बड़े से आलीशान महल में जब हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लव मैरिज करने वाले हैं, घर वाले भी रजामंद हैं, इसलिए बिना बताए घर लेने का फैसला कर लिया। पद्मा प्लीज, मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक कैसे करना है मुझे अच्छी तरह आता है। सच में तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, जैसे तुम्हारी ज़बान पे सरस्वती बैठी हो। शहद से भी ज़्यादा मीठी आवाज़ है तुम्हारी, जितनी बार भी सुनो मन भरता ही नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारी तारीफ करते करते मैं ज़रूर शायर बन जाऊँगा। चलो शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। इस गाने की जितनी तारीफ करूँ कम है। पापा का संगीत और तुम्हारी आवाज़ दोनों गाने में चार चांद लगा देते हैं। मुझे तो तुमसे तभी प्यार हो गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें गाना गाते सुना था। पता है भगवान से मैंने उस वक्त क्या मांगा था? कि हर जन्म में मुझे इसी का जीवन साथी बनाना। और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन ली, तुम जैसी लड़की को मेरा हमसफर बना डाला। हमारी जोड़ी किसी मधुर संगीत से कम नहीं है। जिंदगी का हर पल कितना सुरीला हो जाएगा। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। अरे हंसी नहीं आ रही? हंसो हंसो। पद्मावती, 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 आदित्य वर्मा जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। इससे पहले लिखे हुए आपके 3 नॉवेल्स आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके गए हैं, और आपके पिछले नॉवेल ने तो आपको लोगों के दिलों का राजा बना दिया है। इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले वाले नॉवेल में आपने ये कहा है कि जज्बाती रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता, आप भी यही बात मानते हैं क्या? जज्बाती रिश्ते एहसास से पैदा नहीं होते, जरूरतों से होते हैं, जिसकी मैं कदर नहीं करता। आपका मतलब इंसानों के बीच रिश्ते नहीं होते? अगर रिश्तों पर उन्हें विश्वास हो तो जरूर हो सकते हैं। डिटेल में बताएंगे? आपके शरीर को किसी शरीर की जरूरत है, इसलिए आप किसी से रिश्ता बनाते हैं। इतना ही नहीं, अपने फायदे और नुकसान के लिए हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। ये चीजें जरूरतों से पैदा होती हैं। हम सब रिश्तों से दूर भाग सकते हैं, पर पैसों को कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम रिश्ते नहीं कर पाते वो पैसा करता है, और ये पैसे पे विश्वास से पैदा होता है। यहाँ इंसानी रिश्तों से ज्यादा पैसों को ही अहमियत दी जाती है। आपके नॉवेल्स में पागलपन बहुत ज्यादा है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्रिटिक्स का सबसे बड़ा काम है नुक्स निकालना, आपके काम को सराहना नहीं। मतलब आप क्रिटिक्स को सीरियसली नहीं लेते? उनकी बातें मंदिर का प्रसाद नहीं है जो खुशी खुशी ले लूं।
जिसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया हो वही क्रिटिक बन जाते हैं। ये लोग खुद को 30 मार्खा समझते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं और दूसरों के काम में उंगली करते हैं। दूसरों की गलती निकालने का हक उसी को है जो खुद मुकम्मल हो, और मेरे हिसाब से ऐसा इंसान कोई है ही नहीं। मतलब आप पागलपन को नहीं मानते हैं? किसने कहा? तुम्हें कोई मच्छर काटे तो तुम उसे बाद में मारने की नहीं सोचोगे, अपने सारे काम छोड़ के उसे मारने के पीछे पड़ते हो। जब तुम्हारे दोस्त को तुमसे ज्यादा सैलरी मिल रही हो और तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसे भी पागलपन कहते हैं। दौलत शौहरत शान और शौकत इज्जत ताकत, इन सब के लिए अच्छाई ईमानदारी वफादारी और सारे अच्छे कर्म, इन सब को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना भी पागलपन है। शान और शौकत पाना हर किसी की हसरत होती है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी मेरे नॉवल की सराहना करते हैं, यानी आप भी पागल ही हुए ना। आपके दूसरे फेमस नॉवल हत्या में अमृता का पति विवेक, जो उससे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी हत्या कर देता है, तो आपके हिसाब से ये एंडिंग सही थी? विवेक के मुताबिक उसकी पत्नी की मृत्यु हुई इस कहानी का अंत है, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर उसके रचयिता तो आप ही है ना? जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं लिखता, जैसे मेरे किरदार चाहते हैं वैसे लिखता हूँ। हकीकत में विवेक बड़ा अच्छा आदमी है, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपनी बीवी से कुछ छुपाया है। उस गलती का कहीं पर्दाफाश न हो जाए इसी खौफ में वो जीता रहा। अपनी ईमानदार बीवी से सच छुपाकर वो नरक की जिंदगी जीता रहा, पर वो खुद को मारना चाहता था। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि वो मरना चाहता है, पर मैं नहीं माना। एक दिन अचानक बिना किसी को बताए विवेक आत्महत्या करने की सोच रहा था, पर ऐन वक्त पर मैंने उसे बचा लिया। उसने कहा कि मुझे तो तुम मरने नहीं देते, पर कम से कम मेरी बीवी को तो मार दो ताकि मैं इस नरक की आग से बाहर निकल सकूं। उसे मेरे हाथ पैर जोड़े कहने लगा कि हर हाल में मेरी बीवी की मौत होनी चाहिए। मुझसे बेचारे विवेक का दुख देखा नहीं गया, और एक रात जब अमृता सो रही थी तो मैंने अपनी कलम उसकी छाती में घोप घोप कर उसकी हत्या कर दी। एंड नाउ विवेक इज सो हैप्पी। तो फिर आपका अगला नॉवल किस बारे में है? खौफ। मतलब आप भूत पर नॉवल लिख रहे हैं? खौफ यानी भूत होता है, ऐसा किसने कहा? अगर भूत और खौफ अलग अलग हैं, तो फिर खौफ क्या है? माँ, बचपन में जब हम किसी चीज के लिए हट करते हैं या खाना खाने से इनकार करते हैं, तो उस वक्त हमारी माँ हमारा सामना खौफ से करवाती है। खाना ना खाने पर भूत आ जाएगा, ना सोने पर भूत आ जाएगा, ज्यादा मस्ती करने पर भूत आ जाएगा, माँ की बात ना सुनने पर भूत आ जाएगा। जिस तरह चंदा मामा की लोरियां और कहानी पर एक मासूम बच्चा विश्वास करता है, उसी तरह भूत पे भी विश्वास करता है। भूत नाम का ये शब्द उसके जहन में घर कर लेता है, और वहीं से खौफ का बीज उसके मन में बोया जाता है। और बस अच्छाई से खौफ, बुराई से खौफ, उजाले से खौफ, अंधेरे से खौफ, जिंदगी से खौफ और मौत का खौफ, जो खौफ माँ की गोद से शुरू होता है, वो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता और अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है और आपको अपनी बेड़ियों में चकड़ लेता है। यहाँ तक कि कभी कभी हम अपनी परछाई से भी खौफ खाने लगते हैं। मतलब आपके अगले नॉवल का नाम खौफ है? नहीं, ऐसे क्यों खड़ा है? आज मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा यार। क्या कहेगा रे? हाँ, यही कि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार? असल में प्यार कैसा होता है? रसगुल्ले की तरह होता है, मीठा मीठा, या नारियल की पेड़ की तरह एकदम लंबा होता है क्या? हाँ, या फिर गांव के तालाब में नहाने वाली लड़कियों की तरह होता है। छी, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, ये तेरी जेब में क्या है? प्रेम पत्र है। अच्छा, ला मैं पढ़ता हूँ। अरे, मेरी पूजनीय पद्मावती को मेरा प्रणाम, आशा है कि तुम ठीक होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अबे ये क्या लिखा है? ये प्रेम पत्र नहीं, परीक्षा में लिखा निबंध लग रहा है। तुम्हारी आंखें चमकते सितारे की तरह है। सितारा? आंखें सितारे की तरह नहीं, भैंस की तरह, जैसे अपने शुभम के यहाँ पे भैंस है ना, एकदम उसकी तरह आंखें हैं।
तुम्हारे होंठ गुलाब जामुन से भी ज्यादा मीठे हैं। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा थोड़ा हम दोनों को भी चखने देगा ना। गुलाब जामुन। पद्मावती, मैं तुमसे। पद्मावती चलो घर जाओ। क्यों रे, दूध के दांत भी नहीं निकले और प्यार करने निकला है? फिल्में देखते हो ना, फिल्में देखकर ही तुम जैसे छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं। कुमार की फिल्में देखना छोड़ दो, उनका छिछोरापन देखकर ही तुम जैसे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। फिल्मों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लिख जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो भीख मांगोगे। मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, बस मेरी बेटी से दूर रहो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कार सीताराम जी क्या लेगा? ठीक है साहब,